नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। सभागार में पत्रकार समाज कल्याण समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अमित कुमार वर्मा ने की। आज मीटिंग में बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकारों के साथ आए दिन हो रही घटनाओं के लिए सभी से राय ली गई, सभी को सुना गया, जिसमें कुछ पीड़ित पत्रकारों की मदद करते हुए आश्वासन दिया गया, आप स्वतंत्र होकर कीजिएगा, पत्रकार समाज कल्याण समिति आपके साथ खड़ा है। मुख्य अतिथि के रूप में पधार राष्ट्र अध्यक्ष सूरजभान बघेल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, राष्ट्र प्रदेश में बहुत संगठन काम कर रहे हैं, मगर जिस तरह से संगठनों पत्रकारों की मदद करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। पूर्व की भांति पत्रकार समाज कल्याण समिति अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार सम्मेलन करेगा, जिसमें संगठन से जुड़े हजारों पत्रकार साथ ही भाग लेंगे। जिलाध्यक्ष कैलाश गोयल ने अपने संबोधन में कहा, पत्रकार समाज कल्याण समिति राज्य एक ऐसा संगठन है जो कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंडल अध्यक्ष अमित कुमार वर्मा ने अपने संबोधन में कहा, हमको पत्रकारिता उस लेवल पर करनी चाहिए जिसे एक वास्तविक पत्रकारिता कहते हैं। हमारा संगठन ऐसे उन पत्रकारों का विरोध करता है जो ज्ञान होकर पत्रकारिता कर रहे हैं। आने वाले समय पत्रकारिता का स्तर गिरे नहीं, सभी बातों पर चर्चाएं हुई। एक दर्जन से ज्यादा पत्रकारों को संगठन की सदस्यता दिलाई गई। मीटिंग में उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष महिला विंग कृष्णा सूर्यवंशी, पवन शर्मा, मनोज चौहान, दिलशाद अली खान, मदन राजपूत, रवि कुमार, जितेंद्र कुमार, अमित कुमार प्रजापति, गगनदीप, रंजीत बघेल आदि शामिल रहे। भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल के लिए पत्रकार ललित कुमार की रिपोर्ट। हम बहुत सारे मुद्दों पर पत्रकारों के लिए काम करते हैं। कोई सा किसी भी तरह की घटना हो, दुर्घटना हो, पत्रकार साथियों के साथ अभद्रता हो, उस पर संगठन हमारा पूर्ण रूप से कार्य करता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ग्रुपों के माध्यम से भी आपको पूरी जानकारी होती रहती होगी। अभी 20 नवंबर को पूरे प्रदेश की बैठक अभी लखनऊ में होगी, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, प्रभारी जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी बुलाए गए हैं। आने वाली अलीगढ़ में एग्जीबिशन जो लगता है 29 से 25 फरवरी तक की उसकी तारीख है, प्रशासन ने तय कर दिया है। उसमें हमारा पिछली साल भी भव्य कार्यक्रम हुआ था, हम चाहते हैं कि उससे अच्छा कार्यक्रम एग्जीबिशन में हो, वो सब आप लोगों के सहयोग की होगा। दूसरा, आज 2 बजे का मीटिंग का टाइम रखा गया था और हम 3 बजे तक पहुंच रहे हैं, ये मेरी भी अपनी गलती है, मैं इसको स्वीकार करता हूं और इस बात को सभी पत्रकार साथी स्वीकार करते हैं। अगर 2 बजे का टाइम है तो 2 बजे मुद्दे में आपको बता रहा हूं, बातें आपको रखनी है क्योंकि हो सकता है 2 बजे का टाइम। सर, आज की जो मीटिंग रही है विकास भवन में, इसका सर उद्देश्य बताइए। आज अलीगढ़ के विकास भवन के मीटिंग हॉल में पत्रकार समाज कल्याण समिति की मंडलीय और जनपदीय बैठक में आए सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज विशेष मुद्दों पर ये मीटिंग हुई, बहुत सारे पत्रकार साथियों की सुरक्षा को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर बहुत सारे समाधानों के बारे में बताया, पत्रकारिता के उद्देश्यों के बारे में बताया गया यहाँ पर। और आने वाले जो हमारा पिछले साल का राष्ट्रीय सम्मेलन, पत्रकार सम्मेलन हुआ था, उसको लेकर भी हमने चर्चा की, क्योंकि 29 जनवरी से 25 फरवरी तक अलीगढ़ में एग्जीबिशन लगेगा, ऐसा प्रशासन का मानना है। तो उसमें हम पहले से वो बहुत अच्छा एक भव्य कार्यक्रम, पत्रकार सम्मेलन जिसका राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में नाम होगा, उसको हम करने के लिए आज अलीगढ़ की टीम के जो है माध्यम से अवगत कराया हमने और इनसे पूछा कि किस तरह का सहयोग उसमें रहेगा। सभी हमारे साथी सहमत थे और उद्देश्य मेन यही था कि पत्रकारों की सुरक्षा पर संगठन कितना काम कर रहा है, आज ये संगठन कहां से कहां पहुंचा है, ये बहुत सारी बातें यहां टीम को बताई गई। कुछ नए पदाधिकारियों को यहां जॉइनिंग दी जाएगी, जिसमें तहसील से लेकर मंडल तक जिम्मेदारियां उन लोगों को दी जाएंगी। आज मातृशक्ति के रूप में काफ़ी महिलाएं भी संगठन में शामिल रहीं, बहुत अच्छी बात है, महिलाओं को भी आगे निकल के आना चाहिए और उनको अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। आज यही हुआ और मैं बहुत यहाँ की टीम से संतुष्ट हूँ कि